सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा, ये मीडिया, ये देश की जनता तक आप मेरी आवाज़ पहुँचाते हो, तो दोबारा से कह रहा हूँ, राखी का पेशा है न्यूड वीडियोज़ बनाना, ये सब चीज़ें को करना राखी का पेशा है। कल भी रात में राखी ने एक वीडियो को इंस्टाग्राम में अपलोड किया है। राखी ने, सुनाई दे रहा है? हाँ, राखी ने एक वीडियो को अपलोड किया है। अब साफ साफ वो वीडियो आप बहुत लोगों ने देखा होगा, देखा है जी, बोलिए ना, आप देख लेंगे, बोले। एक वीडियो अपलोड किया है, आप लोग उसमें देख सकते हो जिस तरीके से राखी ने मुझे एक टैबलेट दिया है, जिस तरीके से मुझे राखी उसमें मार पीट के, टॉर्चर करके, हरास करके चीज़ों को बुलवा रही है, और उसमें मैं सेंसस में थोड़ा भी नहीं हूँ। प्लीज़ आप जाके वीडियो देखें, अगर डिलीट हो गया तो मैं वापस लिंक भी भेज दूंगा, बिकॉज अभी तो मेरे पास वो लिंक है, हमने पुलिस स्टेशन में प्रॉपरली सेव करवा दिया है। वो लिंक में साफ साफ दिखता है कि एक इंसान उसके सेंसस में नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, मुझे एक टैबलेट पहले भी मैंने कहा था, आज भी मैं ये बात को कह रहा हूँ कि मुझे राखी एक टैबलेट देती थी जिससे मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। आप उसमें देख सकते हो कि इंसान को वो किस तरीके से टॉर्चर करके, मुझे मार के, मुझे पीट के बुलवा रही है चीज़ों को। आप एक नॉर्मल इंसान हर चीज़ समझ सकता है, तो इसके लिए, इसलिए हम लोग क्या किए, आज हम पुलिस स्टेशन आए। सबसे पहले हम आके आज पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट लिखा है। 7:30 बजे का मुझे अपॉइंटमेंट मिला है कमिश्नर ऑफिस जाने का, जो क्रॉफर्ड मार्केट में है। मुझे अपॉइंटमेंट मिला है, कमिश्नर मुझे मिलने वाले हैं आज। प्रॉपर मेरी कंप्लेंट हर चीज़ होके मैं मेक श्योर करूँगा कि आज मेरी, मेरे लिए सब कुछ ठीक से हो, बिकॉज जो मुझे हरासमेंट राखी से मिल रहा है, मेरे फैमिली को मिल रहा है, इसको एंड करना बहुत ज़रूरी है। मैं दोबारा कह रहा हूँ आपको, एक बात भी मैं कहूँगा, एक सेकेंड देना, ये बात को मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ, और आप ये भी जानते हो कि हाल ही में ये भी एक ऐसा फोटो भी बाहर आया था जो राखी के रूम में रितेश खड़ा है, इसकी भी न्यूड फोटोज को राखी ने ही वायरल किया है। आप देख सकते हो राखी का कमरा है, राखी को शौक है, राखी का पेशा है न्यूड वीडियोज और गंदे फोटोज को बनाना, इसको सर्कुलेट करना, उनकी फैमिलीज को टॉर्चर करना, उस व्यक्ति को टॉर्चर करना, और उसको इतना ज़्यादा हरास कर देना कि वो एक तो मर जाए या वो ज़िंदगी जीना छोड़ दे। आज जाके बेल्जियम में बैठा है और बड़ी बड़ी बात करता है राखी के सपोर्ट में। देखो ये उसकी फ़ोटो किस तरीके से राखी ने लेके रखी है, इसकी फ़ोटो इधर भी दिखाइए, इधर भी दिखाइए, आप प्रॉपरली देख सकते हो। तो ये तो इत्तेफाक हो नहीं सकता कि इसके भी फोटोज राखी के पास है, मेरे भी फोटो, आज तक मेरे पास कोई भी फोटो नहीं है। जो भी राखी अपलोड कर रही है वो सिर्फ हरास कर रही है, उसको सिर्फ पैसे चाहिए, और बार बार हरास करके, ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठने की आज भी कोशिश कर रही है। नंबर वन, तीन लोगों को राखी ने हरास किया है आज की डेट में। एक अनस भाई के घर में गुंडों के साथ गई थी, जाके हरास किया था मेरे चेक्स लेने के लिए, और उनका मैं बहुत शुक्रिया भी करना चाहूँगा कि उन्होंने जो चीज़ों को बचाना चाहे था बचा के मुझे कल रात में बुला के दे दिया है। वो नहीं है वो सूरत में, लेकिन उन्होंने किसी के थ्रू मुझे मेरी चीज़ों को पहुँचा दिया, जो चीज़ें उसको देने थे वो दे दिए, और उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे बहुत बड़ी कल मेरे फेवर में मुझे हेल्प की है, क्योंकि उनको पता था। उन्होंने मुझे ये भी साफ साफ कहा कि राखी एक बहुत बड़ी फ्रॉड है, झूठी है, मक्कार है, इसलिए मैं तेरे लिए खड़ा हूँ हर हमेशा, लेकिन मैं डायरेक्टली आके नहीं खड़ा रह सकता हूँ। तू हमारा भाई है, मेरे और सना का तू छोटा भाई है, और हमारा फर्ज बनता है कि हम ये करें, तो इसलिए हमने ये किया। तू भड़क गया था ये सोच के कि हमने तेरे अगेंस्ट कुछ किया है, तो ये देख चीज़ों को हमने क्या किया है, नंबर वन। और ये भी उन्होंने कहा, आप ऑडियोज में सुन सकते हो, उसने जाके उनके घर में प्रॉपरली गुंडों को लेके जाके हरास किया, उनकी जो सास थी उनको टॉर्चर किया, इतना कि उनको एक बार में ये लगा कि कहीं हाथ ना उठा ले उनके घर में, उनके जो घर में उन पे हाथ ना उठा ले, तब जाके उन्होंने ये स्टेप लिया है। नंबर टू, एक बहुत बड़ी जो अवार्ड, रिसेंटली मैं अवार्ड में गया था, उनका नाम है वृंदा भंडारी, करेक्ट? तो उनके अवार्ड में जब मैं गया था, जब मेरा हुआ, तो राखी ने उनको कॉल किया है, राखी ने उनको कॉल करके इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है, इतना ज़्यादा हरास किया। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ कि कैसे आदिल को आपने अवार्ड दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। तो राखी ने बोला, उन्होंने कहा राखी को साफ साफ अल्फाजों में कि राखी ये बिकाऊ अवार्ड नहीं है। तो राखी ने ये भी कहा, राखी को नहीं समझ आ रहा कि आदिल कैसे इतना जल्दी बढ़ रहा है,
मेरे से आगे वो कैसे जा रहा है, तो वो फोन करके झगड़ा करने लगी, उनको टॉर्चर करने लगी। मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, ये देखो, और उनको सारे के सारे मेरे वीडियोस वृंदा भंडारी हैं, उनको भेजा। उसके बाद वो वीडियोस को वापस डिलीट किया। राखी सावंत का ये चैट है, आप देख सकते हो उनकी डीपी है, दोबारा उन डिलीट किया, सारे लिंक्स भेजे, वॉइस नोट भेजे इस तरीके से। उनको टॉर्चर किया, फिर भी उन्होंने इस वीडियोस को सेव किया और मुझे सारे के सारे वीडियोस दिए हैं। उनका भी नाम मैंने अभी कंप्लेंट में मेंशन किया है, वो स्टेटमेंट देने आ रही है कि ये वीडियोस राखी ने उनको भी सर्कुलेट किया है, ये भी मेरे पास एविडेंस है। ये है मुद्दा नंबर 3। मुद्दा नंबर तीसरा, हर इंसान को टॉर्चर कर रही है। कल की बात भी मैं बात करूँ, राखी को एक बात लीगली समझना बहुत जरूरी होगा, व्हेन वी आर इन अ लीगल बैटल वो मुझे फोन नहीं कर सकती, मुझे मैसेज नहीं कर सकती, मेरे वकील को मैसेज नहीं कर सकती, मेरे एडवोकेट्स को, वकील उसको वकील इसलिए बोल रहा हूँ, एडवोकेट बोलूंगा तो उसको इतनी समझ भी नहीं होगी अंग्रेजी की, वकीलों को मैसेज नहीं कर सकती। मेरे पूरे टीम, मेरे फाल्कन लीगल के हर एक वकील को रोज मैसेज करती है, हाजी भाई को भी मैसेज कर रही है, बड़े बड़े स्टेटमेंट लिखती है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उस बेवकूफ को एक चीज समझाओ, व्हेन यू आर इन लीगल बैटल, आप कोर्ट में हो, कि तुम्हें लगता है कि तुम कोर्ट में हार जाओगी? तुम बार 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 मुझे राखी से बहुत ज्यादा हरासमेंट मिल रहा है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी गलती तो वो है, लेकिन मुझे इतना ज्यादा वो हरास करने की कोशिश कर रही है, गंदगी करके मेरी फैमिली को, उसको फैमिली की चीज पता ही नहीं है, जो फैमिली मेरे गो थ्रू कर रही है, रोज वो वीडियोस भेजती है, मुझे बहुत ज्यादा मेरी फैमिली को लेके प्रॉब्लम्स हो रही है। वो एक अनाथ है, ना उसका कोई नहीं है, ना उसका बाप है, ना उसकी माँ है, ना उसका कोई है, वो एक अनाथ है। एक अनाथ को क्या पता चलेगा कि फैमिली क्या होती है जिंदगी में, उसको क्या माँ का प्यार क्या पता है, बाप का प्यार पता है, हस्बैंड का प्यार पता है, किस उसको कुछ नहीं पड़ी है। एक सड़क छाप औरत है वो, उसको सिर्फ पैसों को लेना देना है, सिर्फ पैसे लूटना, सिर्फ वो यही चीज जानती है। आदिल भाई से और बार 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 बोलती है आदिल वीडियोस बनाए। आप लोगों को इतना नहीं समझ आता कि जिसके पास वीडियोस है वो कहां से अपलोड कर रही है, हर दूसरे दिन एक वीडियो अपलोड करती है वो। उसमें बंदे को देखो, ये है मेरा कैरेक्टर जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, किस हालत में मैं उसमें हूँ, मैं किस हालत में उसमें हूँ। अगर आप मुझे इस हालत में कुछ वीडियो बना के, मैं फोन लेके तोड़ दूंगा आपका फोन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक समझदार इंसान यही करेगा, तो क्यों मैं बैठ के फुटेज दे रहा हूँ? बिकॉज उसने मुझे ड्रग्स दिया है उस वीडियोस में। आप लोग प्लीज इस बातों को समझिए जी। कहीं ना कहीं आदिल राखी का ये मानना है कि आप उनका नाम लेकर के ये फेम लेना चाहते हैं, तो राखी का नाम लेके अगर मैं फेम लेना था तो वो अवार्ड जो लोग दे रहे हैं उनको फोन करके टॉर्चर क्यों करे? क्योंकि उसको अवार्ड नहीं मिल रहा, उसको अवार्ड नहीं मिल रहा, उसको कोई खड़ा नहीं कर रहा, उसको काम नहीं मिल रहा। आदिल भाई आपको उसके सोर्सेस में उसको पता चला कहाँ है आदिल गाने सेंड किया है, आदिल कहाँ है, आदिल की मूवी नरेशन चल रही है, क्यों उसको सक्सेस नहीं समझ रही? उसको बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है, अगर लोगों को ठगना छोड़ के कुछ काम करती ना, उसको मिलता कुछ ना कुछ जिंदगी में। और कहीं ना कहीं राखी का भी ये आरोप है कि आप उन्हें मेंटली हरास करते थे। आप ये वीडियो मेरा देख लीजिए, आप मेरा ये वीडियो देख लीजिए और जाके प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। मैं बार 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 ये बेहूदे सवालों का जवाब देने के लिए मैं बिल्कुल नहीं दे सकता, और मेरी मेंटल स्टेट इतनी अच्छी भी नहीं है कि मैं ये सब चीजों का सवाल दूं। दोबारा बोल रहा हूँ, ये मेरा वीडियो देख लेना, कल जो राखी ने अपलोड किया वो देख लेना, आपको खुद का जवाब मिल जाएगा। आदिल भाई अभी तक आपने इतना रिटर्न कंप्लेंट किए, इसके बावजूद अभी तक कोई FIR लॉन्च नहीं हुआ, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया, लोग आप लोग को सीरियस नहीं लेते, लोगों को ऐसा लगता है अगर आप नीचे के कंप्लीट हो जाए, नीचे के कमेंट्स अगर आप पढ़े किसी भी न्यूज चैनल के वीडियोस के, तो लोग आपको सीरियस ही नहीं लेना चाहते, उनको लगता है कि आप दोनों मिलकर प्लान करके लोगों का एंटरटेनमेंट कर रहे, इस तरह के कमेंट आते हैं, इस पर क्या रिएक्शन है? देखिए मैं आपको एक बात कहूंगा, संविधान ना औरत के इतने ओवर में है, एक लड़के को जाके न्याय लेना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अगर आके देखो, आप फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं मेरे साथ क्या हुआ, 377 का केस कितने आसानी से ले लिया, मुझे कितने आसानी से जेल भेजा, लेकिन ऐसा नहीं है, मुश्किल होगी, मुझे खड़ना है, मुझे फेस करना है, लेकिन मुझे न्याय मिलेगा ही मिलेगा, मुझे इंडिया के संविधान पे पूरा भरोसा है। मुझे ये भी पता है थोड़ा वक्त होगा, इंशाल्लाह आज वो वक्त आया है मेरा, नेक्स्ट 24 घंटे में बहुत सारी चीज़ें बदल जाएगी मेरी ज़िंदगी में, उसको लेकर मुझे पता है। देखो मेरा बैटल लास्ट 2 महीने से मैं लड़ रहा हूँ, आज मेरा दिन आया है, आज कमिश्नर सर ने प्रॉपर हमें टाइम भी दिया है, 7:30 बजे आप आओ, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड
आगे से हमको फोन आया है, उन्होंने ये भी कहा, उनके ऑफिस से ये भी कहा गया कि जाओ प्रॉपर स्टेटमेंट दो, स्टेटमेंट लेटर लेके मेरे पास आओ, आज हम जा रहे हैं 7:30 बजे। इसके बाद नेक्स्ट 24 घंटे में क्या क्या होगा आप बिल्कुल आप देख सकते हो। अदिल भाई, आप दोनों एक दूसरे से इतना लड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राखी के मन में आपके लिए मोहब्बत बेपना है, वो खुद खुल के बोलती है आपको तलाक नहीं देना चाहती है, आप भी कहीं ना कहीं एक उनसे मोहब्बत जरूर करते हैं, आपकी बातों से ऐसा लगता है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से जुदा होना ही नहीं चाहते, आप अपना चैप्टर क्लोज करके लाइफ में आगे बढ़ना नहीं चाहते, ऐसा लोगों का मानना है, आप क्या कहेंगे? सॉरी टू से, अगर प्यार का नतीजा जेल जाके पैसे देना, जिंदगी में आके रिश्तों को नीलाम करना, मेरे माँ बाप को सताना, मेरे खानदान वाले को सताना है, तो इसका मतलब प्यार नहीं कहते। आपने पिक्चरों में भी प्यार देखा होगा, आपकी घर में बीवी बच्चे भी होंगे, वो प्यार आप क्या चीज़ है आप बहुत अच्छे से समझते होंगे, तो प्लीज इसको आप प्यार मत बोलिए, बोलिए सुने आप इसको प्यार मत बोलिए, नंबर वन चीज। नंबर दूसरी चीज, अगर आपको सच में लगता है राखी, आप खुद जाके उसके इंटरव्यूज देख लीजिए, वो सिर्फ एक नाटक है, ढोंगी है, लोगों को लूटना जानती है। हाँ, तलाक की बात कर रहे हो, मेरी शादी में दोबारा आपको कह रहा हूँ वैलिड नहीं है, राखी ऑलरेडी रितेश सिंह के साथ शादीशुदा है, एक भारतीय नारी कोई भी आप जाके इसमें देख लो, मुस्लिम हिंदू कोई भी रिलीजन में जब एक बार उसकी शादी होती है तो दूसरी शादी विदाउट डाइवोर्स नहीं कर सकती है, क्या आपको पता है? तो राखी ऑलरेडी शादीशुदा है, पूरे चीज़ें मैंने कोर्ट में ऑलरेडी सबमिट करके रखा है, मेरी शादी इनवैलिड है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिंगल हूँ। क्या आप दूसरी शादी करने के लिए तैयार हैं? ये सब देखो, ये टॉपिक देखो, टॉपिक राखी के फिगर से आप निकलना चाहते हैं कि नहीं, मुद्दा ये है। ये आप मुझे पूछ सकते हो, दूसरी शादी के बारे में मैं क्या अनाउंसमेंट तो नहीं करूंगा ना, तो मेरा पहले बैटल है, पहले मुझे इसमें न्याय मिल जाए, उसके बाद मेरी जिंदगी का मैं सोचूंगा ही सोचूंगा। हाँ डेफिनेटली शादी क्यों नहीं करेंगे, मैं डेफिनेटली मैं मोहब्बत भी करूंगा, शादी भी करूंगा, अगर वक्त मिला तो। आज मेरा वो वक्त नहीं है, आज मेरे वो चीजें नहीं है, आप गलत सवाल मुझसे पूछ रहे हैं जी। वापस राखी भी आज 4:30 बजे मीडिया से बात करने वाली है, कहीं आपने बोला तो नहीं सुबह मैं करता हूँ शाम में राखी आप सुन लो? तो ये जो वीडियोस डालती है, तो आप राखी से ये पूछो ना, तुम वीडियोस क्यों डाल रही हो राखी? चलो आप राखी से 2-4 अच्छे अच्छे सवाल पूछ लो ना, कि क्यों राखी तुम बेवकूफ हो क्या, क्यों तुम ये वीडियोस डालती हो, क्यों आदिल के नाम आदिल का वीडियो डाल के तुम क्यों पब्लिसिटी डाल रहे हो? उसका बोला खुद की नंगे वीडियोस डाल लेना, तो एटलीस्ट अच्छा पब्लिसिटी मिलेगा ना। तब आप जाके सवाल पूछ सकते हो कि राखी जी आप बहुत खूबसूरत लग रही हो न्यूड वीडियोस में, आप मुझे जवाब दो, आप ये पूछ सकते हो उनको सवाल। तो मेरा डाल के क्यों फुटेज बुला रही है, मेरा वीडियो डाल के जब बुला रही है, आप जाके उनको पूछो क्यों राखी जी आपका घर नहीं चल रहा है क्या, क्यों आदिल का वीडियो डाल के मीडिया को बुला रही हो? राखी जी को बोले उनका खुद का वीडियो शूट करके डाले और उनको बुलाए, आप उनको सवाल पूछे, राखी जी आप बहुत खूबसूरत दिख रही हो मॉडल में, आपने बहुत सर्जरीज कराई है, जो भी आप उनको सवाल पूछो तो आपको बहुत अच्छा उत्तर देगी, मैं ये उत्तर नहीं दे सकता सर आपको।